हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेपर मनी। हम मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में पहला पार्ट था मेटालिक मनी, जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर मनी के बारे में और इसे डिटेल में समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पेपर मनी के बारे में कहा जा रहा है कि बेसिकली पेपर मनी, आप सभी जानते हैं कि डिफरेंट नोट्स होते हैं अलग अलग डिनोमिनेशन के, जो पेपर से बने होते हैं। इसे सेंट्रल बैंक या किसी देश की सरकार इशू करती है और ये बेसिकली चार पार्ट में क्लासिफाइड हैं। जैसे सबसे पहला है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, दूसरा है कन्वर्टेबल पेपर मनी, तीसरा है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी और चौथा है फियाट मनी। आइए इन सबको एक एक करके समझते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी के बारे में कहा जा रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी होता है, वो एक्चुअली होता क्या है कि वेयर हाउस की एक रिसीट होती है। मतलब वेयर हाउस में जहां पे फुल बॉडीड कॉइन्स या बुलियन के बराबर कोई चीज रखी गई है, उसकी जो रिसीट होती है जिसे सर्कुलेट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी है। साधारण भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो पेपर मनी तो है, लेकिन ये पेपर मनी रिप्रेजेंट कर रहा है उस गोल्ड कॉइन को या उस गोल्ड को या उस गोल्ड बुलियन को जो वेयर हाउस में रखा हुआ है, जिसके बिहाफ पे हम इस पैसे को सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। दूसरा कहा जा रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। देखिए, फुल बॉडीड का मतलब आप सभी जानते हैं कि जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू बराबर होती है। इसे हम फुल बॉडीड मनी का रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे गोल्ड का पूरा गोल्ड कॉइन्स का पूरा बैकअप है। चाहे गोल्ड कॉइन्स हो या गोल्ड बुलियन हो, इनका पूरा का पूरा बैकअप रखा हुआ है ट्रेजरी में, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी कहलाते हैं। ठीक है, अगला इन्होंने कहा है कि दे आर फुल्ली कन्वर्टेबल इंटू गोल्ड कॉइन्स और बुलियन। ये पूरी तरीके से कन्वर्टेबल है। लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब सरकार ने ये बोल रखा है कि हम इसे कन्वर्ट कर देंगे गोल्ड में या बुलियन में, जब आप कहिएगा तो। ठीक है, नॉर्मली पहले के जमाने के लोग पेपर करेंसी यूज नहीं करते थे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, वो नॉर्मली गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स को यूज किया करते थे क्योंकि उनकी खुद की इंट्रेंसिक वैल्यू होती थी, गोल्ड की भी होती थी और सिल्वर की भी होती थी, उसको वो कहीं पे भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन पेपर की तो एज सच आज भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जब आप कहें हम इसे गोल्ड या सिल्वर में या किसी बुलियन में कन्वर्ट कर दें तो हम कर देंगे, तब लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस आता था। ठीक है, तो दे आर फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड कॉइन्स और बुलियन। और आगे कह रहे हैं कि जो गोल्ड सर्टिफिकेट्स विच सर्कुलेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स प्रायर टू 1933 वर रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। तो अभी आज के टाइम पे तो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी कहीं नहीं है। 1933 से पहले यूनाइटेड स्टेट्स में गोल्ड सर्टिफिकेट्स जो सर्कुलेट किए जाते थे वो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी कहलाते थे। अब बात करते हैं कन्वर्टेबल पेपर मनी। जैसे कि नाम है कन्वर्टेबल, तो इसे हम अगेन इजीली कन्वर्ट कर सकते थे गोल्ड या सिल्वर में या बुलियन में। ठीक है, कॉइन्स में या बुलियन में। ठीक है, कन्वर्टेबल पेपर मनी इज दैट विच डज नॉट हैव 100% बैकिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड कॉइन्स। भाई, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी में 100% बैकिंग हुआ करता था, लेकिन कन्वर्टेबल पेपर मनी में 100% बैकिंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ये कहती है कि जब आपको चाहिए तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। बट द होल्डर ऑफ द पेपर मनी कैन गेट इट कन्वर्टेड इनटू कॉइन्स ऑन डिमांड। तो जैसे ही वो डिमांड करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे कॉइन्स में कन्वर्ट कर देगी डिमांड पे। अच्छा, गवर्नमेंट ये कहा करती थी कि जब आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, नॉर्मली इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट में तो आपको पैसा मिलेगा, इंपोर्ट कराने में आपके पास से पैसा जाएगा। ठीक है, आज के टाइम पे भी गोल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है, जो भी है, मतलब करेंसी देने की जगह गोल्ड को भी बीच में लाया जाता है और उसकी वैल्यू की चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज की जाती हैं। तो पहले के भी जमाने में यही होता था कि पेपर मनी इंपोर्ट, हर देश की करेंसी अलग होती है तो पेपर मनी हर देश का अलग होगा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो हम उसे आपकी डिमांड पे उसे कन्वर्ट कर देंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। आगे कहा जा रहा है कि जो डिफरेंस आएगा रिप्रेजेंटेटिव और कन्वर्टेबल पेपर मनी के बीच में, is that the former is fully backed by the standard coins while the latter is not fully backed by them. इन्होंने यही बोला कि representative जो paper money होता था उसका 100% gold, silver का, bullion का, gold coins का backup होता था, लेकिन convertible paper money का backup नहीं होता। सिर्फ यही एक अंतर होता है और कोई difference नहीं होता, क्योंकि दोनों में जब आप कहेंगे सरकार उसे convert कर देगी gold में। आगे कहा जा रहा है both types of paper money are convertible। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अगला है हमारा इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पेपर मनी जिसका कोई स्टैंडर्ड कॉइन्स का बैकिंग नहीं है, ठीक है, और ना ही उसे कन्वर्ट किया जाएगा। ना हम बैकिंग के लिए कुछ रखते हैं उस करंट पेपर मनी को इशू करने के लिए कि बैकअप में हमने उतने का परसेंट का रिजर्व रखा हुआ है, गोल्ड का या सिल्वर का या बुलियन का, ठीक है, किसी चीज का कोई रिजर्व नहीं रखा जाता, और साथ ही साथ ना उसे कन्वर्ट करके देते हैं, तो उसे हम इनकन्वर्टेबल पेपर मनी कहते हैं। तो आज के टाइम पे जो भी सेंट्रल बैंक्स या रिजर्व बैंक्स हैं, हर देश के सेंट्रल बैंक जो भी नोट्स इशू करते हैं, ठीक है, वो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे फिड्यूशरी मनी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है फिएट मनी। अब फिएट मनी क्या है कि फिएट मनी हर देश की सरकार जो करेंसी इशू करती है, जो लीगल टेंडर होता है, वो फिएट मनी ही होता है। इन्होंने कहा कि पेपर मनी विच सर्कुलेट्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज अ फिएट मनी, ठीक है। अथॉरिटी मतलब दैट इज फिएट, तो सरकार की अथॉरिटी में जो सर्कुलेट होता है उसे हम फिएट मनी कहते हैं। फिएट मनी इज क्रिएटेड एंड इशूड बाय द स्टेट, तो हर देश अपना फिएट मनी क्रिएट करता है, उसे खुद से इशू करता है। आगे कह रहे हैं बट इट इज नॉट कन्वर्टेबल बाय लॉ एंड इज अ लीगल टेंडर, क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है, उस देश की सरकार इशू कर रही है, उस देश की सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक इशू कर रहा है, तो वो तो लीगल टेंडर है, लेकिन दे आर नॉट कन्वर्टेबल, उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? आप गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं, जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो आप टैक्स भी भरते हैं और सामने वाली पार्टी को आप प्रॉफिट भी मतलब कमाने में हेल्प करते हैं। तो आपने एक्सचेंज नहीं किया, आपने उसे परचेज किया, लेकिन एक्सचेंज में क्या होता था, जितनी वैल्यू का आप गोल्ड देंगे या सिल्वर देंगे, उतनी वैल्यू का आपको मतलब पेपर करेंसी देंगे, उतनी वैल्यू का आपको वो बुलियन मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने बोला कि इट इज नॉट कन्वर्टेबल बाय लॉ एंड इज अ लीगल टेंडर, और ये एक लीगल टेंडर है। तो फिएट मनी रिप्रेजेंटेटिव मनी भी है और साथ ही साथ टोकन मनी भी है। टोकन मनी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, टोकन मनी वो मनी होती है जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एक्सट्रेंसिक वैल्यू। जैसे 2,000 रुपए का जो नोट है उसकी एक्सट्रेंसिक वैल्यू 2,000 रुपए है, लेकिन वो जिस पेपर करेंसी से बना है, जिस पेपर से बना है, उसकी खुद की इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। आगे इन्होंने बोला है कि 1 रुपी नोट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टोकन कॉइन्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फियाट मनी। तो भारत की सरकार, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 1 रुपए का नोट जो वो इशू करती है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए का सिक्का जो इशू करती है, ये दोनों फियाट मनी है, क्योंकि दोनों लीगल टेंडर है, दोनों टोकन मनी है और दोनों रिप्रेजेंटेटिव मनी है, ठीक है। और लास्ट में कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं होता फियाट मनी और इनकन्वर्टेबल पेपर मनी में आज के टाइम पे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये था हमारा मनी इन बैंकिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में पेपर करेंसी, जो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड था और चारों पार्ट को हमने एक एक करके डिटेल में समझा। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।